नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का धरना अभी भी जारी है। बस्ती में सपा जिला अध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर साइकिल मार्च निकाला। साइकिल मार्च के समय सपाइयों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस की टीम गणेशपुर चौकी पर ले गई। गिरफ्तारी के समय सपाइयों ने कहा कि कृषि कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा और जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक के किसानों के खिलाफ जो काला कानून है जब तक वापस नहीं हो जाएगा, किसानों के समर्थन में हम लोगों का आंदोलन लगातार अनवरत चलता रहेगा। सरकार भ्रमित है। अगर किसान के पक्ष में होता तो किसान को क्या गरज पड़ी थी कि इस ठंडक में उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है। हम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? आजमगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हरि नारायण सिंह जिले में बढ़ रही गौकशी को लेकर एसपी से मिले। उन्होंने एसपी से बताया कि राम अवध नाम के व्यक्ति की गौशाला से लगभग 4 गाय गायब है, जिसकी वो लिखित शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हरि नारायण सिंह ने मामले में स्थानीय थाने के प्रभारी पर आरोपियों से मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर उनसे मिले हुए हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में डॉक्टर रुपेश कुमार जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व विभाग के कार्यों में लाया एक नया मोड़ जनपद प्रतापगढ़ में उत्तराधिकारी को खतौनी में नाम दर्ज कराए जाने हेतु विशेष अभियान कार्यक्रम को संचालित किया। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्रामों में टीमों को निर्देशित कर दिया गया है। समस्त ग्रामों में निर्विवाद अधिकारी को खतौनी में नाम दर्ज कराना है। अभियान के अंत में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के प्रत्येक तहसील के 10% राजस्व ग्रामों को रेड मली चिन्हित किया जाएगा। बाद में इस तथ्य की जांच कराई जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकारी का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा या छूट तो नहीं गया। राजस्व विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, कि जो भी पेंडेंसी है वरासत दर्ज करने वाले मामले उसको अतिशीघ्र दूर किया जाए। इसके लिए 2 माह का विशेष अभियान 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम में संस्थाओं का ड्रामा शुरू। बता दें कि एक दिन पहले नगर निगम का छपेड़ा पुलिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, जिसमें उन्होंने जानवरों के अस्पताल को तोड़ा। अस्पताल को तोड़ने से कुत्ते के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृत जानवर के शव को लेकर संस्थाओं ने नगर निगम में हंगामा शुरू कर दिया। शव रखकर लोग मेयर, नगर आयुक्त और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र में स्थित दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद एडीजी सहित आला अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। फिरोजाबाद एसएसपी ने ऑपरेशन चक्रव्यूह को समय से पहले ही शुरू कर दिया। आगरा की ओर से आने वाले 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहनों को रोककर उनकी गहनता से चेकिंग की जा रही है। इस दौरान एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र के साथ टुडला एसएचओ रामेंद्र कुमार शुक्ला के अलावा भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। फिलहाल चेकिंग के दौरान पुलिस को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। जनपद में 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रतिदिन ऑपरेशन चक्रव्यूह की कार्रवाई होती है, जिसमें सीमा पे सघन चेकिंग कराई जाती है। अमरोहा की देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि देर रात बदमाशों ने बाइक सवार से लूट की थी। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 4 मोबाइल और कुछ नगद भी बरामद किए गए थे। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस बदमाशों के अड्डे पर पहुंची, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इन बदमाशों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये देहात थाना क्षेत्र में 15/16 की रात को सूचना मिली कि कुछ लुटेरे लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर जब पुलिस पार्टी मौके पर गई तो उन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने हिकमतवली से
4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झोपड़ी में सो रहे युवक से तमंचे के बल पर लूट की। बता दें कि भैंस, बकरी और मोबाइल लूट कर बदमाश फरार हो गए। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। जनपद महोबा में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। विस्फोटक सामग्री बरामद होने से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पत्थर को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता होती है। कबरई थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया और साथ ही 3 युवकों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह थाना कबरई की पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसे सूचना मिली कि एक पिकअप में विस्फोटक जा रहा है। तो राजेश मिश्रा चेक कर रहे थे, जो गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे थे। उससे पूछा गया, जब और ज्यादा चेक करने पर पता चला कि उसमें विस्फोटक भी है, ईडी और जो जिलेटिन होता है। सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सिपाही समेत 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। फिलहाल सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देहात कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने मूंगफली से भरा ट्रक लूट लिया था और ड्राइवर को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस इस घटना में शामिल बदमाशों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और अपनी टीम के साथ एक ही बाइक पर जा रहे संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जनपद सुल्तानपुर प्रभारी निरीक्षक कुरेभार कोतवाली देहात और आलियापुर तथा जनपद की स्वाट टीम के इन्होंने पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद साबिर और अमित सिंह नाम है।